हेलो। तो पिछले 4 दिन से मतलब बैठा हूँ, शाम को 3-4 बज जाता है। तो बैठे बैठे रूम में कितना देर तक आदमी रेस्ट करेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, बगल में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे खेलने निकल लेते हैं। क्रिकेट वहाँ पे खेलते रहते हैं लोग, जो लोकल के लोग हैं। फिर हम भी शाम को चले जाते हैं जब फ्री रहते हैं तो, या फिर जिस दिन गैप रहता है तो चलते हैं आज। अभी ग्राउंड पे आ चुका हूँ। यहाँ से दरअसल क्या है, रेलवे का जो ग्राउंड है वो रूम से मेरे करीब 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ऊपर ही पड़ जाता है, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो दरअसल स्टेशन के लाइन के दूसरी तरफ है और हम लोग लाइन के दूसरी तरफ रहते हैं, तो अपोजिट साइड में। तो ये रूम से पास में ही मतलब ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्राउंड है, खेल लेते हैं हम लोग, सही रहता है। बाकी उतना दूर वहाँ तो बड़ा ग्राउंड है रेलवे का, तो वहाँ थोड़ा दूरी पड़ता है इसलिए नहीं जाते हैं। तभी बच्चे धीरे धीरे अभी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा लग रहा है 10 मिनट पहले ही पहुँच चुका हूँ। तो रूम पे बैठे बैठे सुबह से ही बोर हो रहे थे, करीब खाना भी 12-12 बजे के आसपास में बनाया था। तो अभी 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया और सोचा कि खेल लेते हैं। फिर हमको लगता है कि नंबर अभी 20-25 नंबर पे हैं, हो सकता है सुबह के आसपास ड्यूटी लगे, सुबह में भोर में लग सकती है ड्यूटी। तो जनरली जो है कि 2-3 दिन का गैप रहता है, तो फिर आदमी रूम पे बैठे बैठे क्या करेगा, ज़्यादा देर तक बैठे बैठे रहने से ही बोर हो जाता है आदमी और थोड़ा लेजीनेस भी आ जाती है, इसीलिए थोड़ा खेल लेने का टाइम मिल जाता है खेलने का, तो चले जाते हैं। अभी बच्चे आ ही रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सोचा एक ब्लॉग बनाना है। ये दरअसल जो है झंझरी, ये विकास खंड झंझरी पड़ता है गोंडा में, कई लोग जानते होंगे जो गोंडा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यही जो पास में 2 गली बगल में मेरा रूम है। तो ये ग्राउंड ठीक ठाक है खेलने भर का, मतलब छोटे ग्राउंड का मैच अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेल लेते हैं। आसपास के कॉलोनी के लड़के यहाँ पर रहते हैं, अभी फ़िलहाल कोई आया नहीं है और आ रहे हैं लड़के, मुझसे बोले हैं कि अभी आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो मैं आ गया पहले थोड़ा। बाकी जो रेलवे ग्राउंड है वो तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर जाने का मतलब क्या है, कम से कम अपने पास कम से कम 15-20 प्लेयर होने चाहिए, बल्कि यहाँ थोड़ा कम लोग भी रहते हैं तभी काम चल जाता है, यहाँ खेल लेते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे जो है लड़के अब आ रहे हैं और अब टीमिंग होगा, देखते हैं क्या होता है कि किसकी टीम की तरफ फसल क्या। ये ड्यूज का बॉल आज लेकर गए हैं सब, इस ग्राउंड पे तो ड्यूज का बॉल से खेलना पॉसिबल नहीं है। झुका ना जा, बुढ़ापा दिखत है, ये यही चाहिए, इससे एक्टिवनेस कहाँ है। अगर जो यहाँ पे से छूट गया तो क्या होगा। अरे तो हतवा का आखिरी लगा, छूट गया तो क्या होगा। बहुत बहुत सही, बहुत सही। क्लास है, क्लास है, क्लास है, प्रियांशु क्लास है ना। बहुत सही, दो रन। बहुत बुरा, एकदम इंटीमेट है भाई आकाश चोपड़ा, पूरा डेडिकेशन ऑन पॉइंट। यार इतना अच्छा फील्डिंग करे बावजूद हटाए दियो चोपड़ा, तुम अच्छा फील्डिंग कर रहे हो, फुल डेडिकेशन दे रहे हो तब भी हटा दिए। कीपर बिल्कुल बचाए रखे। ओ हो, अरे भाई बहुत खूब।